राशन में एक तो इंडियन अंडर 19 उन्होंने ट्रेनिंग को लिटाई दिया और हम्म, वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं फर्स्ट टाइम। सो इंडिया की विमेन क्रिकेट इज कमिंग अप लाइक एनीथिंग। ये अंडर 19 वर्ल्ड टाइटल पे 5 करोड़ इंडियन रुपीज प्राइज मनी दिया है बीसीसीआई ने। सो दैट क्लियरली शोज कि उनका इंटरेस्ट सीरियस है, बहुत सीरियस इंटरेस्ट है। सर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी है कि आप बैठे रहेंगे और बस आप बुलवाना बुलवाएं ना, मैं बोलूंगा। लेकिन इंडिया की अंडर 19 वुमेन्स ने, जो कि फर्स्ट एडिशन था वुमेन्स वर्ल्ड कप का अंडर 19 का, वो अपने नाम कर लिया। इंडिया की वुमेन्स अनबीटन टाइटल को अपने नाम कर लिया, ये कोई मैच नहीं हारे और इंग्लैंड को बुरी तरह से वन साइडेड शो के साथ हरा दिया। जी हाँ, बुरी तरह से वन साइडेड शो के साथ हराया है। या जो जिनके घर वाले ये सोचते हैं कि यार हमारी लड़की कुछ नहीं कर सकती है, इसका कुछ हो नहीं सकता है, लड़की क्या खेलेगी यार, जो मेंस है वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो टीम है ना, शिफाली वर्मा की टीम, इस टीम ने बता दिया कि भाई इंडिया की जो वुमेन्स है वो भी किसी से कम नहीं है और वो भी जो है वो कुछ भी कर सकती है किसी भी टाइम। मर्दों ने तो भाई बैक टू बैक जो है वो सीरीज जीती, लेकिन इंडियन वुमेन अंडर 19 टीम भी किसी से कम नहीं है, रगड़ दिया भाई इंग्लैंड वालों को। इंडिया की अंडर 19 की इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है भाईजान, इंग्लैंड को 68 में ऑल आउट भी कर दिया है। और हमारे घंटे, हमारे मेंस घंटे, मैं ये भाईजान साडे मुंडिया की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, औरतों की कितों परफॉर्मेंस आ जानी है। और इंडिया से सीख लो लंथ या शर्म कर लो, इंडिया से कोई सीख लो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक दो दिन पहले मैं बोर हो रहा था तो मुझे एक गेम खेलने की आइडिया आया जिसका नाम है वन विन, जिस पर लकी जेट गेम खेलकर आप मनी अर्न कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जिस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डिपॉजिट पर क्लिक करके आप पेटीएम पर अपना पसंदीदा पेमेंट मेथड पेटीएम पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं यहां पर लकी जेट गेम खेलूंगा जो वन विन पर मिल जाएगा और मैं किसको खेलूंगा और अच्छी ऑर्ड्स और हाई एक्स रेट्स के लिए मैं वेट करूंगा और जैसे ही मनी रेज होगी मैं जीत जाऊंगा। अब मैं इसको खेलता हूं, देखिए मैं बाजी लगाया और थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए मैं जीत भी गया और मैंने ये जीत भी लिया और देख सकते हैं कि ये मनी तो मैंने जीत लिया लेकिन इसको विड्रॉल तो करना भी है, तो विड्रॉल के लिए आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी किया और पेटीएम में मेरा बैलेंस भी आ गया, ये आप देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल में नहीं देख पाए तो स्क्रीन पर भी मैंने दे दिया, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर मेरा प्रोमो कोड HF100 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 1 लाख तक का बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो मैंने वन मिन का लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है और पिन कमेंट भी कर दिया है, जाइए चेक करिए, जहां पर आपको एक्सपर्ट बताएंगे कि कैसे यहां पर आप मनी अर्न कर सकते हैं। तो जाइए, मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है और पिन कमेंट भी कर दीजिए और जाइए चेक करिए और विन करिए अपने रिस्क पर। राशन में एक तो इंडियन अंडर 19 उन्होंने ट्रेनिंग को लिटाई दिया और वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं फर्स्ट टाइम। सो इंडिया की विमेन क्रिकेट इज कमिंग अप लाइक एनीथिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी से नहीं, इन्वेस्टमेंट है और मुबारकबाद देते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को, बहुत मुबारक। और खवातीन क्रिकेट, विमेन क्रिकेट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। पार्टी होता क्या है, एशियन टीम पहले पार्टिसिपेट करने जाती है, पार्टिसिपेट हमें करना है, लेकिन क्या है कि इंडिया को देखें वो अब जीतने जा रहे हैं, तो जब जीतने जा रहे होते हैं तो आपके फिर फॉलोइंग बढ़ जाती है आपने, क्योंकि फाइनल भी खेला इंग्लैंड से, हार गए थे लास्ट टाइम उससे पहले, लेकिन उनको अपने प्लेयर्स को फॉलो किया और उसके बाद ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए ना, एशियन टीम के लिए बड़ी कामयाबी है, आपने 70 रन पे, उससे रन कम पे आपने पूरी टीम को आउट कर दिया और पहले, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके मेंस क्रिकेट के बाद अब खवातीन की क्रिकेट भी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। ये अंडर 19 वर्ल्ड टाइटल पे 5 करोड़ इंडियन रुपीज प्राइज मनी दिया है बीसीसीआई ने। सो दैट क्लियरली शोज कि उनका इंटरेस्ट सीरियस है, बहुत सीरियस इंटरेस्ट है। सर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी है कि आप बैठे रहेंगे और बस आप बुलवाना बुलवाए ना, ना मैं बोलूंगा। लेकिन ये कि सही डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, खवातीन की क्रिकेट हो, अंडर 19 की क्रिकेट हो, अंडर 19 के भी चैंपियन रिसेंटली हुए थे और खवातीन के भी हो गए, वर्ल्ड चैंपियन रहे। अब ये है कि अब बड़ी टीम को, मेंस की बड़ी टीम को एक बड़ा टाइटल आईसीसी का जीतना है, अदरवाइज तो नीचे लेवल पर सारे को जीत रहे हैं ना ये लोग। इंडिया की अंडर 19 वुमेन्स ने, जो कि फर्स्ट एडिशन था वुमेन्स वर्ल्ड कप का अंडर 19 का, वो अपने नाम कर लिया। इंडिया की वुमेन्स अनबीटन टाइटल को अपने नाम करके, ये कोई मैच नहीं हारे और इंग्लैंड को बुरी तरह से वन साइडेड शो के साथ हरा दिया। जी हाँ, बुरी तरह से वन साइडेड शो के साथ हराया। जबरदस्त जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, बॉलिंग भी अच्छी की, बल्लेबाजी भी अच्छी की। इंडिया ने एक और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, एक और वर्ल्ड कप। जी हाँ, अंडर 19 का पिछला जो वर्ल्ड कप भी गुजरा है, मेंस का वर्ल्ड कप, वो किसके नाम था, किसके नाम था बता दें, किसके नाम था, मैं बता देता हूं, वो नाम था इंडिया के। जनवरी में जो लास्ट वीक मैच वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया ने जीता, उसके बाद अब दोबारा से जो अंडर 19 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ वो किसके नाम हो गया, इंडिया के नाम।
जी हाँ, इंडिया के नाम ये दो लगातार अंडर 19 के वर्ल्ड कप हो चुके हुए हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, पाकिस्तान की वुमेन्स की बात करें तो पाकिस्तान की वुमेन्स पहली निकल किसी सेमीफाइनल में पहुंची ही नहीं थी। ऐसे ही अंडर 19 का वर्ल्ड कप इंडिया की टीम जीती है, वुमेन्स की टीम जीती है, तो सबको याद आ गई पाकिस्तान की टीम क्या कर रही है, पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम किधर है, क्या परफॉर्मेंस जा रही है। तो अब पता चला कि हमारी वुमेन्स तो लगातार मैचेस अपने हारे जा रही है। हमारी वुमेन्स को जिसको कहते हैं कि ना कोई अंदर उनके जिसको कहते हैं ग्रुपिज्म चल रहा है, वो उसी पे तवज्जो दे रही है कि वर्ल्ड कप जितवा दिया, वर्ल्ड कप जितवा दिया। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं आप बयान नहीं कर पा रहा, वर्ल्ड कप जीत गया वो लोग। वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम कितनी खतरनाक टीम है कि उनके T20 में आप देख सकते हो कैसे वर्ल्ड कप जीती हुई है। उसके साथ उनकी वुमेन्स की टीम भी बड़ी खतरनाक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी खतरनाक है। हर टीम जिसको कहते हैं ना इस टूर्नामेंट की खतरनाक थी, पहुंचे ना अनबीटन पहुंचे, फाइनल की ट्रॉफी जीत गए, तो वेल डिजर्व है ना, वेल डिजर्व जो होगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। और इनको ट्रॉफी मिल चुकी हुई है, ट्रॉफी लेके ये आ चुके हुए हैं। इंडिया की वुमेन्स की अंडर 19 टीम शिफाली वर्मा की कप्तानी में जाओ वर्ल्ड कप जीत गई है भाई। पहली बार जो आईसीसी ट्रॉफी जीती अंडर 19 इंडियन वुमेन्स ने, और कमाल का खेली है वो भी लाजवाब खेली है भाई। पहले बॉलिंग करते हुए उन्होंने भी जाओ 68 के ओवर जाओ उनको जो रोक लिया। इंग्लैंड की वो टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को 100 बनाने दिया था, उस टीम को जो 68 के ओवर रोक दिया और वापस 14 ओवर में यानी कि 36 बॉल पहले इंडिया की लड़कियों ने बड़े आराम के साथ वो मैच जीत लिया। और आज देख ले हमारी टीम, देखें किस तरह से जो है वो वुमेन्स की टीम की बात कर रहा हूँ, हारे पे हार जा रही है। वही हमारी जो बॉयज की टीम है उसके कदमों के ऊपर कदम रखे हुए हैं, हमारी वुमेन्स की टीम भी लगातार हारी जा रही है। लेकिन इंडिया की जो वुमेन्स है, चाहे वो अंडर 19 की हो या चाहे दूसरी हो, दोनों ने जो है कमाल की जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टाइम पे। और इंडिया की वुमेन्स के लिए तालियां हो जाए भाई, क्योंकि वुमेन्स जब नाम आता है ना तो बहुत सारी वुमेन्स के लिए ये मोटिवेट होने का टाइम है भाई। आप जो इससे मोटिवेट हो सकती हैं, क्योंकि या जो जिनके घर वाले ये सोचते हैं कि यार हमारी लड़की कुछ नहीं कर सकती है, इसका कुछ हो नहीं सकता है, लड़की क्या खेलेगी यार, जो मेंस है वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो टीम है ना शिफाली वर्मा की टीम, इस टीम ने बता दिया कि भाई इंडिया की जो वुमेन्स है वो भी किसी से कम नहीं है, और वो भी जो है वो कुछ भी कर सकती है किसी भी टाइम। तो हमारी वुमेन्स की कंजरिया टीम है ना, ये जो हमारी वुमेन्स की भाई जान है, इन्हें क्रिकेट छिड़ाओ तो इन्हें घर बहो, क्योंकि इन्होंने जिंदगी कुछ नहीं करना। स्वाय लान तान तू इंडिया की अंडर 19 की इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है भाई जान। इंग्लैंड को 68 ऑल आउट भी कर दिया है, और हमारे घंटे, हमारे मेंस घंटे, मैं तो इंडिया की वुमेन्स की बात करूं ना, लेकिन हमारे मेंस घंटे वो हारते हैं हमारे होम ग्राउंड में। ये जो घंटा बाबर आजम है ना, ये भाईजान साडे मुंडिया की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, औरतों की कितनी परफॉर्मेंस आ जानी है। और इंडिया से सीख लो, लंथ या शर्म कर लो, इंडिया से कोई सीख लो किस तरह अच्छी क्रिकेट खेली जाती है। उन्होंने वुमेन्स में भी, वुमेन्स की टीम ने को एक ब्रांड दिया हुआ है, उन्होंने मेंस टीम को एक ब्रांड दिया हुआ है। इंडिया की अंडर 19 की टीम ये जो अभी आई है, इसने 68 पे ऑल आउट किया इंग्लैंड को, अब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। अब ये जब बड़े स्टेज पे जाएंगे, जब इन्होंने मेन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगी, तो भाईजान ये ब्रांड बन जाएंगी। ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स को बीट करेंगी, ये इंग्लैंड की वुमेन्स को बीट करेंगी, ये न्यूजीलैंड की वुमेन्स को बीट करेंगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस ये वजह इंडियन क्रिकेट को दुनिया में प्रेज किया जाता है। ये वजह इंडियन क्रिकेट से ऑस्ट्रेलियन टीम खेलने की तरस, इंग्लैंड खेलने के लिए तरस दिया। और पाकिस्तान की लड़कियां भाईजान अभी ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी, कुत्तू की तरह मारा उन्होंने, कुत्तू की तरह मारा है। और आप जब भी आप जिधर मर्जी ले जाओ पाकिस्तान की लड़कियों को, आप जिधर मर्जी ले जाओ पाकिस्तान की औरतों को, भाईजान ये कभी भी कुछ भी परफॉर्मेंसेस नहीं देंगी, हमेशा हारेंगी, जलील करवाएंगी, और ऐसा जलील करवाएंगी कि मतलब यार दिमाग फटने वाला हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे राशिद लतीफ और पूरी पाकिस्तान मीडिया इंडियन अंडर 19 वोमेन को कंग्रेचुलेट कर रही थी। जो वर्ल्ड कप जीती है वो पहली बार इंडियन अंडर 19 वोमेन ने वर्ल्ड कप जीत ली है और अपने नाम की है, बहुत ही बड़ा एक जीत है भारत के लिए। और खुशखबरी है, और BCCI भी इसके लिए उनको 5 करोड़ की नगद इनाम राशि दे दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक अप्रिसिएशन मनी होता है उनके लिए, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है BCCI की तरफ से वुमेन क्रिकेट को। और अगर कहा जाए तो इंग्लैंड की इतनी बड़ी टीम को 68 रन पर ढेर कर देना पहली पारी में, और उसके बाद 14 ओवर में भी अपने नाम पे मैच कर लेना, ये एक बहुत ही बड़ी बात हो। इतनी मैच्योर तरह से खेलना एक अंडर 19 टीम से आप उम्मीद नहीं करते, लेकिन जिस तरह से हमारी लड़कियां ने खेली, त्रिशा साधु जो थे बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, और अब अगर बैटिंग कर ले तो वही एक गुंगड़िया त्रिशा जो है, वो भी दोनों त्रिशा चमकी है और इंडिया को ट्रॉफी दिला दिया है। और अगर बात की जाए शेफाली वर्मा की कप्तानी में, ये जीत इंडिया की नाम रहा, बहुत ही बड़ी जीत है, और पूरी इंडिया को इसके लिए अंडर 19 वोमेन को कंग्रेचुलेट करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जिस तरह के हमारे वोमेन भी अब आगे बढ़ रहे हैं, ये मेन से किसी भी तरीके से कम नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमें लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।